लिस्ट पे मेरे पास जितने भी लोग हैं इस वक्त सबके अल्हम्दुलिल्लाह नाम मेरे पास लिखे हुए आ रहे हैं, तो किसी को भी इशू नहीं होना चाहिए, सबके नाम लिखे हुए आ रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो विदाउट नाम आ रहा हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द सेल्फ। सेल्फ आप सबको पता होगा दैट इज अबाउट यू, कि आप कौन है, आप क्या है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। नेक्स्ट चैप्टर जो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो पर्सनालिटी के ऊपर होगा, बट उससे पहले हमें अपनी सेल्फ को देखना है कि हम एज अ सेल्फ क्या है। तो इस चैप्टर के अंदर वी विल डिस्कस के सेल्फ कैसे इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर बिहेवियर को, एंड प्रोडक्ट्स कैसे रोल प्ले करती है हमारी सेल्फ को सपोर्ट करने में या सेल्फ को डेवलप करने में, और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन मैस्कुलिनिटी की एंड फेमिनिटी की क्या होती है, और वो कैसे प्रोडक्ट्स को खरीदने में हमें मदद करती हैं। वी विल ऑल्सो डिस्कस के हमारी अपनी बॉडीज के बारे में हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, हम कल्चर को कैसे डील करते हैं अपनी सेल्फ को लेकर, एंड कल्चर के अंदर अपनी सेल्फ को हम कैसे मॉडिफाई करते हैं। ओके, सेल्फ कॉन्सेप्ट द बिलीव अ पर्सन होल्ड अबाउट हिज हर ओन एट्रीब्यूट्स एंड हाउ ही शी एवैल्यूएट्स दीज क्वालिटीज। ठीक है, एट्रीब्यूट्स के अंदर आपकी डिफरेंट डायमेंशन आ सकती हैं, आपका कंटेंट, पॉजिटिविटी, इंटेंसिटी, स्टेबिलिटी ओवर टाइम एंड एक्यूरेसी, आपका आप किस तरह दिखते हैं, आप किस तरह चीजों को डील करते हैं, आप किस तरह चीजों के साथ बिहेव करते हैं, आपकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है। पास्ट परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि आप जो है वो कामयाब, कितने कामयाब है, कितने कामयाब नहीं है, कितना आप किसी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, ये सारी चीजें आपकी सेल्फ का हिस्सा होते हैं। आप जो स्लाइड देख रहे हैं, स्लाइड के अंदर जो पिक्चर्स हैं, पिक्चर के अंदर ये जो खातून नजर आ रही हैं आपको, व्हाइट कलर वाली ही है, इनका नाम है जेंस निकल रहा है, बट शी इज पॉलिटिशियन, आई एम सॉरी, इनका नाम है जेंस निकल रहा है। तो इनकी जो इलेक्शन कैंपेन हुई थी उस इलेक्शन कैंपेन के अंदर इन्होंने, यस हेनरी क्लिंटन, थैंक यू सो मच, इलेक्शन कैंपेन के अंदर इन्होंने किया ये था कि ये दो पिक्चर्स हैं और एक वॉलंटियर दिखाया है जो डार्क कॉम्प्लेशन में ये वॉलंटियर दिखाया है, तो उसके अंदर इन्होंने पिक्चर्स को मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके उस पिक्चर के अंदर वो एट्रीब्यूट्स डाले जो वॉलंटियर के फेशियल एक्सप्रेशन के हैं। ठीक है, अगर आप जो एक्सट्रीम राइट पे पिक्चर है अगर आप वो देखें तो एक्सट्रीम राइट वाली पिक्चर मॉडिफाई हुई हुई है और उसको मैच किया हुआ है, उसके अंदर थ्रू टेक्नोलॉजी थोड़े से फेशियल एट्रीब्यूट्स क्लोज किए हुए हैं उसके साथ अपना जो वॉलंटियर है। तो इसमें हुआ ये था कि जिन्होंने वो पिक्चर देखी जो उनकी अपनी फेशियल एक्सप्रेशन से या फेशियल अपेरेंस से ज्यादा मिल रही थी, उन्होंने उसको ज्यादा वोट डाले, ज्यादा फेवर किया। ठीक है, दैट वाज द एक्सरसाइज। वंस अगेन मैं बता रहा हूं कि एक इलेक्शन कैंपेन हो रही थी, इलेक्शन कैंपेन में इन्होंने जो कैंडिडेट थी, कैंडिडेट की फोटो को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और फोटो को मॉडिफाई करके उन्होंने जो वोटर्स थे ना, वोटर की शक्ल के साथ थोड़ा सा मैचिंग की उसको, उसको फोटो को एडिट करके। तो ये पता ये चला कि जिन वोटर्स ने वो तस्वीरें देखी, जो तस्वीरें उनकी शक्ल से मिल रही थी, उनका एटीट्यूड ज्यादा फेवरेबल हो गया कैंडिडेट की तरफ, एंड जिन्होंने वो तस्वीरें देखी जो उनकी शक्ल से नहीं मिल रही थी, उनका एटीट्यूड लेस फेवरेबल था कैंडिडेट की तरफ। तो इससे साबित ये होता है कि वी लव आर सेल्फ और हम अपनी झलक लोगों में देखना चाहते हैं, जहां हमें अपनी झलक नजर आएगी हम उस चीज को ज्यादा फेवर करेंगे।
ठीक है, इज इट क्लियर? जो बात मैंने भी आप लोगों से की है या कोई क्वेश्चन है तो उसमें मुझे बताएं। बेटा जेस्चर एंड पोस्चर डेफिनेटली आपकी सेल्फ से ही डेवलप होते हैं। जेस्चर एंड पोस्चर एक्चुअली पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी जो सेल्फ से ही डेवलप होते हैं। ठीक है तलाल, मैं देख लिया आपका मैसेज। बिलाल खान मेरे पास लिखा हुआ आ रहा नाम, दैट्स इनफ। मैंने लिस्ट में चेक कर लिया, मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है जो अनॉनमस आ रहा हो या किसी उल्टे सीधे नाम से आ रहा हो, सब अपने नाम से आ रहे हैं। बिलाल खान आपका बार बार मैसेज आ रहा है, बिल्कुल बिलाल खान नाम लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास। ओके देन देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच इज रियल एंड आइडियल सेल्फ। हमारी सेल्फ भी जो है ना, वो हमारी जो शख्सियत होती है, एक वो होती है जो एक्चुअली हम होते हैं और एक वो होती है जिस तरह की हम चाहते हैं। तो रियल सेल्फ वो सेल्फ है जो हम एक्चुअली हैं, और आइडियल सेल्फ वो सेल्फ है जैसा हम बनना चाहते हैं। बहुत से लोग हो सकता है थोड़े हेल्थी हो दिखने में, बट वो चाहते हो कि वो बहुत जो है दुबले पतले लगे या रिप्ड लगे, तो दैट रिप्डनेस कुड बी देयर आइडियल सेल्फ। ठीक है, आइडियल सेल्फ इज आर कंसेप्शन ऑफ हाउ वी वुड लाइक टू बी, एन एक्चुअल सेल्फ आर मोर रियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ क्वालिटीज वी हैव। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आइडियल सेल्फ हो सकती है कि आप क्लास के टॉप स्कोरर हो, एक्चुअल सेल्फ हो सकती है कि आप एवरेज स्टूडेंट है, आपकी आइडियल सेल्फ हो सकती है कि यू वांट टू बी अ गुड क्रिकेटर, आपकी एक्चुअल सेल्फ हो सकती है क्योंकि यू आर एवरेज इन क्रिकेट। तो एक चीज ये होती है कि हमारी आइडियल सेल्फ एंड एक्चुअल सेल्फ, और फिर दूसरी चीज ये है कि आइडियल सेल्फ और एक्चुअल सेल्फ में गैप कितना है। अगर हमारी आइडियल सेल्फ और एक्चुअल सेल्फ करीब करीब है तो दैट्स गुड थिंग। जहां पे हमारी आइडियल सेल्फ और एक्चुअल सेल्फ में गैप ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पर फिर हमें मटेरियलिस्टिक चीजों की जरूरत पड़ती है ताकि हम उस गैप को फुलफिल कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हमारा आइडियल यह है कि हम गोरा दिखना चाहते हैं, बट हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी आइडियल सेल्फ और एक्चुअल सेल्फ के अंदर डिफरेंस आ रहा है। तो शायद हम फिर ऐसी प्रोडक्ट्स यूज करें जो हमें गोरा करे, जो हमारे कॉम्प्लेक्शन को लाइटर करे। तो प्रोडक्ट्स हम इसलिए यूज करते हैं जो हमारी एक्चुअल सेल्फ से आइडियल सेल्फ तक ट्रांजिशन में लेके जाती है हमें। एक बहुत अच्छी एग्जांपल माइकल जैक्सन की आप लोग देख सकते हैं। माइकल जैक्सन ने मल्टीपल फेस सर्जरीज करवाई। उसकी रीजन क्या थी कि जो आइडियल सेल्फ उसकी थी, जिसको वो आइडियल समझता था, उसमें और उसकी एक्चुअल सेल्फ में गैप ज्यादा था। तो प्रोडक्ट्स कैन हेल्प अस रीच आइडियल सेल्फ, एंड प्रोडक्ट्स कैन हेल्प अस बी कंसिस्टेंट विद एक्चुअल सेल्फ। हमारी पर्सनैलिटी होती है, हम कहते हैं यार वी आर वेरी हैप्पी, जहां हमारी अपनी सेल्फ में गैप कम होगा वहां पे हम वो प्रोड्यूस करेंगे जो हमारी एक्चुअल सेल्फ को सपोर्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जिनका जो बहुत ज्यादा देसी काइंड के लोग हैं, या आप ये कह लें कि बिल्कुल कल्चरल काइंड के लोग हैं, गांव के कल्चर के लोग हैं, और उनके स्पेसिफिक वे ऑफ ड्रेसिंग है। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं उनमें से जो कहते हैं यार हमें तो अर्बन लुक लेना है, उनका अपेरेंस जो रूरल होता है, बट वो कहते हैं हमें अर्बन लुक लेना है। जो अर्बन लुक लेना चाहते हैं वो फिर कोशिश करते हैं वैसी ड्रेसिंग करें जैसे अर्बन लोग कर रहे हैं, और समटाइम्स इस तरह की ड्रेसिंग में दे मैस अप एज़ वेल। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका रूरल लुक होता है, वो कहते हैं कि नहीं हम तो अपने रूरल लुक से हैप्पी है, तो फिर वो वैसे ही वो अपनी ही चीजों को ज्यादा प्राउडली पहनते हैं। तो वो जो लोग अपनी ही चीजों को ज्यादा प्राउडली वेयर कर रहे हैं, वो अपनी सेल्फ से ज्यादा कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहे हैं।
इम्प्रेशन मैनेजमेंट मीन्स दैट वी वर्क टू मैनेज व्हाट अदर थिंक ऑफ अस. आप देखें फेसबुक पर आप लोग जो अपने अकाउंट्स बनाते हैं तो जो आप लोग वीडियोस पोस्ट कर रहे होते हैं, आप बहुत सारी वीडियोस हैं जो अपने पास शेयर करेंगे, बहुत सारी वीडियोस हैं जो अपने पास शेयर नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जनरली म्यूजिक वीडियोस मैं शेयर नहीं करता अपने फेसबुक पे, क्योंकि मेरी सेल्फ ऐसी है कि आई डोंट प्रेफर म्यूजिक, मुझे म्यूजिक का शौक नहीं है. जो जिनकी सेल्फ ऐसी होगी, जिनको म्यूजिक पसंद होगा और जो चाहते होंगे कि वो लोगों को ये दिखाएं कि दे आर म्यूजिक लवर, तो दे विल शेयर मोर म्यूजिक वीडियोस ऑन देयर सोशल साइट. सोशल प्रेजेंस एक बहुत अच्छा टूल है लोगों के लिए अपनी आइडियल सेल्फ अचीव करने का. लोग जो बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो बहुत शाय होते हैं और उनकी आइडियल सेल्फ ये होती है कि दे वॉन्ट टू सोशलाइज, तो वो जो एक्चुअली नहीं करते वो वर्चुअली जाकर अपने आप को सोशलाइज कर लेते हैं. बहुत से लोगों की आइडियल सेल्फ और एक्चुअल सेल्फ में इतना गैप होता है कि वो होते तो मेल है बट उनकी आइडियल सेल्फ फीमेल इतनी ज्यादा होती है कि वो सोशल साइट्स पे जाकर फीमेल के नाम से अपना अकाउंट बना लेते हैं. राइट, सो दैट इज बिकॉज ऑफ गैप बिटवीन आइडियल सेल्फ एंड एक्चुअल सेल्फ. तो अब आप लोग देख लें, आप लोगों ने कितनों ने ऐसा किया था कि फीमेल के नाम से सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाए, तो उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि दैट इज डिफरेंस बिटवीन योर एक्चुअल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ. ओके, एनी क्वेश्चंस? या हम आगे बढ़े? आप बिल्कुल शाहम सिद्दीकी, जहां आपकी एक्चुअल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ करीब होगी वहां पे सेल्फ स्टीम आपकी ज्यादा होगी. जहां पे एक्चुअल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में गैप होगा वहां पे फिर आपको प्रोडक्ट्स की सपोर्ट चाहिए होगी अपनी सेल्फ स्टीम मैनेज करने के लिए. ठीक है, आप इसकी एक एग्जांपल ये भी हो सकती है, जो लोग जो है वो आपने सुना होगा जो नौ दौलती होते हैं वो ज्यादा शो ऑफ करते हैं. जो लोग रातों रात अमीर होते हैं उनकी आइडियल सेल्फ डेफिनेटली मेहनत करके एफर्ट करके अमीर होते हैं, उनकी आइडियल सेल्फ रिच दिखना होती है. तो वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, एक्सपेंसिव ब्रांड्स एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं ताकि वो अपना ट्रांजिशन शो कर सकें, वो लोगों को दिखा सकें कि उनकी एक्चुअल सेल्फ क्या थी और आइडियल सेल्फ क्या है, और उसका गैप अपनी सेल्फ स्टीम को पूरा करते हैं विद हेल्प ऑफ प्रोडक्ट्स. फातिमा ने पूछा है, सर गैप फुलफिलिंग नीड्स होती हैं? बेटा नीड्स आपकी बेसिक जरूरियात होती हैं, ये वांट्स होती हैं जो आपके एक्चुअल सेल्फ, अगर हम इसको टेक्निकल वर्ड में कहें तो उसको वांट कहेंगे, जो हमें एक्चुअल सेल्फ से आइडियल सेल्फ तक लेके जाती हैं. बासिल आप जो कह रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, ये मुनीब जाने और आप जाने. ओके स्टूडेंट्स, आई गेस वी ओनली हैव कपल ऑफ मिनट्स, हमारा सेशन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा एक बजे, और एक बजने वाला है. आई होप के कुछ जो हम कोशिश कर रहे हैं चीजें क्लियर हो आप लोगों को.